वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज मैंने सोचा अपनी वीडियो स्टार्टिंग कर लूँ, क्योंकि मेरी बहुत गलत आदत है गाइज। मैं क्या करती हूँ, एक ब्लॉग बना देती हूँ और उस ब्लॉग को अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, बल्कि जो मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके हमारा ही नुकसान है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं कि जैसे आज एक ब्लॉग किया तो वो एक दिन में 3-4 ब्लॉग कर लेते हैं, और मेरी आदत क्या है, मैं एक दिन में एक ब्लॉग करती हूँ और वो अपलोड में 3-4 दिन में करती हूँ, जो कि बहुत गलत आदत है। तो आज मैंने कहा चलो, एक सुबह में मैंने की थी ब्लॉगिंग और एक मैंने अभी से स्टार्टिंग यानी कि शाम की, देख लीजिए आप लोग दिख रहा है, अभी बज रही है 5:30, शाम की 5:30 बज रही हैं और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है गाइज। और आप लोग सोचेंगे आज मैं इतनी सज धज के कहाँ जा रही हूँ, तो मेरा मन करा चलो थोड़ा सा सज धज लूँ, तो आज मैंने थोड़ा सा मेकअप करा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हल्की सी मैंने हेयर स्टाइल बनाई है अपनी, बल्कि हेयर स्टाइल मेरे से अच्छी नहीं बन पाई, बल फिर भी मैंने ट्राई किया और मैं सीख रही हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाना सीख जाऊँ, तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। लेकिन अभी खुद मैं हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए पहले खुद पे ट्राई करूँगी, जब अच्छे से आ जाएगा मुझे उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हेयर स्टाइल। तो मैंने अपना हल्का सा मेकअप किया हुआ अभी शाम का, कैसी लग रही हूँ मैं आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और ये कुर्ता पहना है मैंने काफ़ी दिन बाद, ये कुर्ता निकाला मैंने आज, बहुत प्यारा कुर्ता है और ये देख सकते हैं आपने सिल्क का है कुर्ता, ये देखिए। और ये मैंने ना ये कुर्ता यहीं से लिया था, यानी कि अपने यहीं गुड़गांव से ही लोकल मार्केट से लिया था, और मे भी 1-2 साल हो गए इस कुर्ते को, तब मैं थोड़ा हेल्थी थी ज़्यादा, तो उस टाइम पे मेरे को फिट आता था। अभी आप लोग देख सकते हैं लूज़ हो रहा है थोड़ा बहुत, बट अच्छा है आजकल, क्योंकि स्वेटर अब कम ही पहन रहे हैं लोग, तो इसीलिए मैंने सोचा चल अभी नहीं पहनेंगे इसे, फिर कब पहनेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो ये कपड़ा होता है थोड़ा सा चुभता सा है तो अच्छा नहीं लगता है, इनर वाला है, और मुझे वैसे भी इनर वाले कपड़े गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ अपनी ब्लॉग का, देखती हूँ ये ब्लॉग कब तक जाता है, इसका एंड कैसे होता है, क्योंकि अभी सोचा नहीं है मैंने कि मैं इस ब्लॉग में क्या क्या ऐड करूँगी, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी, आप लोग भी देखिए, ये देखिए मैं मेकअप करते करते गाने सुन रही थी, देख रहे हो आप, गाना आपको ज़्यादा नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने अपना अभी कुछ दिन पहले अपना न्यू फ़ोन लिया हुआ है, ये है मेरा न्यू फ़ोन रेडमी नोट 8, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी जो वीडियो क्वालिटी भी है बहुत अच्छी आती है, और मैंने अभी कुछ मतलब होली के बाद ये फ़ोन लिया था। बाकी काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, चार्जिंग भी ये काफ़ी जल्दी हो जाता है, और इसका जो मतलब कैमरा क्वालिटी है बहुत अच्छी है, अगर मैं इसकी वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह लेती हूँ तो बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग बताना कैसा आप लोगों को ये फ़ोन लगा मेरा, देख सकते हैं गाइज अभी हो रहा है 5:28, 5:30 होने वाली है शाम की। मैं मेकअप करते करते गाने सुन रही थी, क्योंकि मुझे गाना सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बताइए आप लोग कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना? अभी मैं चाय पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं वॉक पे जाऊँगी, उसके बाद मेरा शाम का खाना बनेगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी कंफर्म नहीं बता सकती कि इस वीडियो में क्या ऐड करूँगी। बाकी गाइस मैं आप लोगों को एक बार अपना हेयर स्टाइल दिखा लेती हूँ, आप बताना कैसा मेरा हेयर स्टाइल बना हुआ है, देखिए हल्का हल्का सा मैंने अपने बालों को ना वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं ऐसे लोग घुमा के बनाते ना, वो उस टाइप का करा हुआ है, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं बन पाया, देख सकते हैं आप परफेक्ट नहीं बन पाया, बट फिर भी मैंने ट्राई किया यार, ट्राई करना भी तो ज़रूरी है ना, आता नहीं है सीख जाता है बंदा, तो सीखूंगी मैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके की हेयर स्टाइल आप लोग कर सकते हैं, अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ। बाकी आज मैंने पहली बार ये देख सकते हो आप लोग काजल लगाए हुए हैं, मुझे काजल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि काजल फैल जाते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है काजल लगाना, मैं भले लाइनर लगा लेती हूँ बट मुझे काजल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए चलते हैं आप चाय पीने, देखती हूँ गाइस फिर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या और शेयर करूंगी। सो हे गाइस कैसे हो आप लोग,
काफी दिन बाद अपनी उस जो मैंने काफी दिन पहले अपनी ब्लॉग वीडियो स्टार्ट की थी, आप लोग लगा सकते हैं 4-5 दिन बाद मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ। मतलब मेरी ब्लॉग वीडियो जो पहले बनी थी वो पूरी अधूरी, वो मैंने स्टार्ट की थी, एंड उस वीडियो का नहीं किया था, तो आज मैं बना रही हूँ। और आज है संडे, और आप लोगों को पता होगा आज मोदी सरकार ने पूरे इंडिया में कर्फ्यू किया है, तो कोई भी लोग अंदर बाहर कहीं भी नहीं जा रहे हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो जस्ट अभी भी मैं भी घर में बैठी हूँ, अभी शाम के 4 बज रही हैं, और थोड़ी देर पहले मैंने एक कोरोना वायरस की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गाइस ना क्या करते हैं, कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हैं। मैंने बहुत सारी सोशल साइट पे देखी कि बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, लेकिन यार इतना मजाक नहीं है। पहले मैंने भी मजाक में लिया था कि शायद कोरोना वायरस कुछ नहीं है, लेकिन इतने केस देखने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद हाँ लग रहा है कल मैं कोरोना वायरस बहुत ही डेंजर है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो अगर आप लोग भी ना कोरोना वायरस को मजाक में ले रहे हो तो बिल्कुल ना लें यार, कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो आज संडे का दिन है, पूरा दिन घर में थे, बस पूरा दिन खाना पीने में ही गया। आप लोगों को तो पता है काफ़ी बार मैंने आप लोगों के साथ में ब्लॉग वीडियो शेयर की है संडे की। बाकी गाइज देखते हैं, मोदी सरकार ने बोला है कि शाम की 4, 4:30, 5 बजे के समथिंग खाली बजानी है, उससे कोरोना वायरस भाग जाएगा। तो देखते हैं, शायद हमारी गली में भी कुछ हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगी। और गाइस आप लोग सोचेंगे कि दीने कितने दिन पहले अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी और कितने दिन बाद कर वीडियो को दोबारा बना रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं की शूट, 2-4 दिन से तबीयत अच्छी नहीं थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। और मुझे अभी जब मैंने ये वीडियो अपलोड की उसके बाद ही ध्यान आया कि यार मैंने कुछ दिन पहले अपनी ब्लॉग वीडियो स्टार्ट की थी, उसका एंड तो किया नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ वीडियो, क्योंकि जरूरी होता है ना गाइस की वीडियो में कुछ ऐसे ऐसे चीजें आए, ऐसे ऐसे मैं आप लोगों को चीजें दिखाऊं जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ कि अच्छी वीडियो है, तभी आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करोगे। अगर मैं ऐसे ही अपनी बस मैं बोलती जाऊंगी तो आप लोग ऐसे मेरी वीडियो को तो एंजॉय नहीं करोगे, पसंद नहीं करोगे। हर कई चीजें ऐसी दिखानी होती हैं व्लॉग वीडियो में कि जिससे लोग पसंद करें, तो पूरा टाइम मेरे पास होता नहीं है गाइस कि मैं हर टाइम फोन लेके जाऊं और ये बनाऊं। जब भी मुझे टाइम लगता है मैं बनाती हूँ, भले मैं वीडियो 2-4 दिन पहले स्टार्ट कर लेती हूँ उसका एंड मैं 2-3 दिन बाद करती हूँ, क्योंकि मैं एक ही दिन पूरा वीडियो अपना शूट नहीं करती हूँ, नहीं मिल पाता है यार टाइम, क्योंकि पहले मैं सोचती थी शायद ना लोग करते होंगे कि आज जैसे वीडियो स्टार्ट की तो आज ही उस वीडियो को खत्म कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, जब से मैं ब्लॉग करती हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता है, एक ही दिन का सारा कोई नहीं डालता होगा, जैसे आज कुछ आज का डाल दिया कुछ कल का डाल दिया, इस तरीके से ब्लॉग बनाते हैं। तो बस मैंने भी सोचा मैं भी बना लूं, तो आज देखते हैं अगर होता है कुछ यहाँ गली में तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बाकी इस वीडियो का एंड मैं अभी नहीं करूंगी, कुछ आप लोगों को कुछ खास खास दिखाऊंगी, अगर हो पाया तभी मैं इस वीडियो का एंड करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको कुछ देर बाद। तो गाइज आज है मंडे और आप लोग देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ, आज मैंने अपने हेयर वॉश किए हैं और अभी मैं हूँ अपने गली में, अभी मैं हूँ बाहर खड़ी, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप लगी थी, मैंने कहा चलो बालों को थोड़ा सुखा लूँ। बाकी ये देखिए आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ मैं, हमारे घर में कितने सारे फूल खिले हुए हैं, देख रहे हो ना कितने सारे फूल खिले हुए हैं, ये देखिए गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए कुछ यहाँ पे हैं गुलाब के फूल, कुछ यहाँ पे हैं गुलाब के फूल, और कुछ ये देखिए आप लोग गेंदे के फूल भी खिले हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना।
ये वाले कलर के जो गेंदे के फूल होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं। एक वो भी है गेंदे के फूल, वो देख रहे होंगे आप, वो येलो कलर के। गाइज आजकल क्या हुआ है, सरकार ने बोल दिया ना कि सारे लोग घर से ही काम कर रहे हैं, ऑफिस वाले सारे घर से काम कर रहे हैं, तो मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सारे घर से ही काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए सब ने अपने लैपटॉप रखे हुए हैं, सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी भी है। अगर हम लोग बाहर जाके ऑफिस जाते हैं तो कोरोना वायरस का जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए घर से ही काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ही ऐसा है, सारे इंडिया वाले मतलब जो भी ऑफिस जाते हैं वो सारे घर से ही काम कर रहे हैं। गाइस मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने ये ऑनलाइन देखा था, अमेजोन से मैंने ये परचेज किया है, देखा था मैंने कि इसे यूज़ करके ना जो हमारे ब्लैक हेड्स हैं यहाँ के जो भी हैं मतलब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वो निकल जाते हैं, तो वो चीज़ है गाइस ये देख सकते हैं आप, ये है वो एक मशीन है, ये ब्लैक हेड्स निकालने की मशीन है। तो इस पे कुछ इस तरीके के ये रहते हैं, इसे ओपन करके और इसमें ना सेल डाले जाते हैं, यहाँ से खोल के इसमें सेल डाले जाते हैं, और जो इसका ये बटन है ये मीडियम और हाई है। तो इससे क्या होता है, अगर हम इसे मीडियम हाई करते हैं तो इसमें सेल होता है, ये हमारे ऐसे लगाना पड़ता है और इसे चला के ये हमारी स्किन को खींचता है और हमारे जो भी ब्लैक हेड्स हैं उसे निकाल देता है। दो चार बार मैंने इसे यूज़ कर लिया है लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि इससे निकल पाते हैं ब्लैक हेड्स नहीं। अगर आप लोग भी इसे लेने की सोच रहे हैं कि इसे लेके आपके ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाएं तो ये गलती मत कीजिएगा, नहीं निकलते हैं इससे, मैंने यूज़ किया है इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दिनों से मैंने ये वीडियो अपनी कंटिन्यू की थी, तो आज मैं इस वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है गाइज वो हो रहा है दोपहर के 2, और अभी मैं कर रही हूँ अपना लंच। आप लोग देख सकते हैं लंच में मैं क्या ले रही हूँ, ये देखिए बहुत ही हेल्थी चीज़ है, ये है कर्ड। इस कर्ड में मैंने मिलाया हुआ है पम्पकिन शीट का पाउडर और फ्लैक्स शीट का पाउडर, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इन पाउडरों को मिला के मैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इस कर्ड में मैंने मिलाया हुआ है और इसे मैं खाऊंगी। अभी का मेरा लंच यही है और साथ में मैं ये पोहा, देख रहे होंगे आप, ये पोहा खाऊंगी। इस पोहे में मैंने ये ऊपर से धनिया की चटनी डाली है। धनिया की चटनी मैं किस तरीके से बनाती हूँ उसकी वीडियो मैंने शूटिंग की है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं पक्का इसकी वीडियो भी शूट करूंगी, अगर आप लोगों को जानना है कि धनिया की चटनी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और बाकी गाइस बस अभी मैं अपने लंच करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसे कंटिन्यू कर रही थी, तो आज फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, लव यू ऑल, बाय।